どっちだ Friends, to Drone Tech once again. तो आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ आप सबको पता लगी गया कि डी जी आई मेविक थ्री जैसे एक्सपेक्टेड था रूमर्स आ रही थी, almost, almost वैसा ही आपके सामने प्रेजेंट लॉन्च हो गया ड्रोन डीजीआई मेविक थ्री प्रो आप इसके बारे में डिटेल में जाने के लिए क्या इसमें खास और फटाफट आपको पता लगना चाहिए कि क्या इसमें नया पीछे वाले ड्रोन की सीरीज के हिसाब से और कैसे मतलब इंडिया में कब तक आएगा और सारा कुछ डिटेल्स क्या खास है इसमें पूरा वीडियो जरूर देखें और अगर आप नए चैनल अच्छे प्लीज लाइक शेयर जरूर करें डीजीआई मेविक थ्री ये तो फ्रेंड्स डीए मेविक थ्री लॉन्च हो चुका है अब जो लीक्स में नहीं आया था वो ये था कि दो वर्जन इसके लॉन्च हुए हैं एक हुआ है डीजीआई मेविक थ्री और दूसरा इसके साथ एक वर्जन लॉन्च हुआ है डीजीआई मेविक थ्री सिने

अब वो फीचर जो इन इन दोनों ड्रोन में अभी मैं वो बात कर रहा हूँ की जो दोनों में है सिने में भी है और मेविक थ्री में भी है ठीक है कॉमन फीचर की बात कर रहा हूं तो तो सबसे बड़ा फीचर जो मुझे पसंद आया वो रिटर्न टू होम में क्या है जी इसमें ये हाइट को मतलब इसमें सेंसर्स चारों तरफ लगे हुए हैं मतलब ऊपर भी है नीचे भी है दाएं भी है भाई भी है आगे भी है पीछे भी है तो इन सेंसर्स की मदद मतलब से डीजीआई मेविक थ्री सिने भी और डी जी आई मेविक थ्री प्रो भी दोनों

तो ये सबसे बड़ा फीचर नंबर दो फीचर जो सबसे कमाल का है जो अभी तक ड्रोन में पीछे नहीं आया वो है पैंतालीस मिनट का जो ये रिकमेंड कर रहे हैं पैंतालीस का कह रहे हैं चालीस का तो आराम से एक बैटरी पे बैकअप होना ड्रोन का बहुत बड़ी बात है सर मतलब कमाल है कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर है 800-900 ग्राम का है किलो से मतलब इसको कोपोर्टेबिली कहा जाएगा और इस इस लेवल के ड्रोन के लिए आपके पास मतलब 45 मिनट का ये कह रहे हैं 40 मिनट तो आराम से आएगा तो बैकअप इज़ वेरी गुड बार बार बैटरी नहीं बदलनी पड़ेगी और जितने भी मेरे वीडियोग्राफर्स हैं पूछते रहते हैं कौन सा लाएं अब वो इतना बड़ा भारी भरकम फैंटम को लेने की जरूरत नहीं है दिस इज द ड्रोन टू बाय जब ये सही रेट्स पे इंडिया में अवेलेबल हो जाए तो ज़रूर फैंटम फंडम को भूल जाइए क्योंकि फैंटम का भी बाप वाले इसमें फीचर्स हैं रेजोल्यूशन के मामले में क्लैरिटी के मामले में कलर्स के मामले में बहुत ज़बरदस्त ड्रोन बनाए डी जी एन वाला अब आपको चूज़ ये करना है कि मैविक थ्री की तरफ जाना है कि मैविक सीने की तरफ जाना है वो मैं लास्ट में बताऊंगा कि इन दोनों में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है कितना फर्क है मतलब मैं भी थ्री लेना चाहिए सिने की तरफ जाना चाहिए या नहीं तो दूसरा फीचर हो गया कि आपके पास बहुत बढ़िया टाइम है और कॉम्बो पैक लेंगे तो तीन तीन बैटरीज मिलेंगे फिर तो मतलब झंझट ही खत्म है जी एक बार आप चार्ज करके चलो और मतलब कोई आपने इवेंट शूट करना है टू गुड अब इसके बाद आते हैं तीसरा रेंज जो हम सब चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हो इसमें ऑक्यो थ्री सिंह प्लस टेक्नोलॉजी है लेटेस्ट अपग्रेड करी गई है वाईफाई सिक्स के साथ कनेक्टिविटी है एंड सिग्नल जबरदस्त पंद्रह किलोमीटर की रेंज रिकमेंड की है आ, तो पंद्रह किलोमीटर बहुत होते हैं बहुत होते हैं पंद्रह किलोमीटर जब कह रहे हैं तो आराम से बारह तेरह किलोमीटर तो देगा ही एंड दीज आर वेरी ग्रेट मतलब ये इतनी रेंज आपको मिल रही है ड्रोन कंट्रोल करने वैसे आउट ऑफ साउट नहीं जाना चाहिए पर ये जो फीचर है ना बहुत प्यारा है कि आपका ड्रोन पंद्रह किलोमीटर तक मतलब रिकमेंडेड तो बारह तक तो जाएगा ही तो ये तीसरा इसका खास फीचर है तो सर ये जो थे मैंने आपको बताया ये दोनों फीचर्स आपको दोनों ड्रोन में मिलेंगे डी जी आई थ्री में भी मिलेंगे और आपके पास जो सीने है उसमें भी मिलेंगे अब करते हैं कैमरास की बात इसमें डुअल कैमरास लगा दिए डी जी आई ने एक आपका मेन कैमरा बीस मेगा पिक्सल का दूसरा एक और उसमें लगाया जो कि आई थिंक बारह मेगा पिक्सल का है अब खास बात ये है, दोनों हैसल बैड के कैमराज हैं और हेसल बैड में इन्होंने अब सेंसर का साइज बढ़ा दिया पहले आधा इंच का था अब फोर बाई थ्री का सीमॉस आपको मिलेगा मेन कैमरा के अंदर इसकी मदद से आपको फोर के वीडियो में अगर आप जाएं फोर के आजकल मतलब स्पोर्ट होता है में जो आ फोर के वन ट्वेंटी फ्रेम पर सेकेंड तक आपको मतलब सुपर स्लो आप कर सकते हो उसको दैट इज ग्रेट दो तो बहुत ज्यादा स्लो होता है मतलब एक सौ बीस में बहुत अच्छा सिनेमेटिक फुटेज आपको मिलता है तो दैट इज पॉसिबल ऑन दिस ड्रोन राइट और मेन कैमरा की बात कर रहा हूँ और ये 5.1 के तक भी सपोर्ट करता है अब ये जो बड़े नंबर है ना 5.1 के अब ये इस तरह का डिस्प्ले अभी इंडिया में मतलब होगा भी तो बहुत कम होगा वो इतना पता लगेगा अभी नहीं ठीक है तो 4K जो कॉमन हो चुका है आजकल 4K के टी आ गए हैं 4K के तो 4K पे बात करेंगे दोनों में आपको 4K मिल जाता है एंड वैसे 5.1 का एप्पल प्रो रेजोल्यूशन कह रहे हैं सीने वाले में है ये अब हम डिफरेंस बाद में बात करेंगे आ, बाकी दोनों कैमराज में आपको ये मिलेगा फोर के रेजोल्यूशन एक सौ बीस फ्रेम पर सेकंड में दैट इज इंपॉर्टेंट इन द मेन कैमरा ठीक है ओमनी डायरेक्शनल सेंसर है मैं पहले बात कर चुका हूँ चारों तरफ ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं अब इसके बाद दूसरा जो कैमरा है वो आधे इंच का सेंसर वाला कैमरा है और वो जूम करने में आपकी हेल्प करता है वो भी हेसल बैड का है एक ख़ास बात आपको बताऊं जो मेन कैमरा है उसमें आपको एफ स्टॉप्स मिलेंगे एफ वन पॉइंट टू से लेके मेघा बारह तक तो मतलब आप सिनेमेटिक थोड़ा वो जो होता है ना आ, बोके एंड ऑल दैट वो यू कैन गेट दैट एंड रॉ पिक्चर्स मिलेंगी मेन कैमरा से जो आपकी रॉ पिक्चर रॉ पिक्चर आपको जिसको पता है फोटोग्राफर उसको मालूम है रॉ का क्या एडवांटेज है रॉ फोटो फुटेज ये लेगा और आठ जी बी तक आपको ऑन बोर्ड जो डी जी एम एवी थ्री प्रो में आपको मिलेगी स्पेस बाकी उससे तो है ही तो ट्वेंटी मेगा पिक्सल का मेन कैमरा है ट्वेल्व पॉइंट एट स्टॉप्स मिलेंगे यानी अपर्चर के आप चेंज कर सकते हैं डायनेमिक रेंज बहुत बढ़िया है फोकस uh, का एडजस्टेबल अपर्चर एफ टू पॉइंट एट से एफ इलेवन तक है ठीक है एंड चौबीस एम एम का आपका इक्वलेंट फोकल लेंथ होगी इसकी बाकी हैसल बैड का कैमरा कलर सिस्टम बहुत बढ़िया है और जो इसका दूसरा कैमरा है वो जूम वाला है वो बारह मैक्सिल का आधा इंच का उसमें सेंसर लगा हुआ है ठीक है तो ये बात होगी हमारे कैमराज की अब इसमें बेसिकली जो बात करते हैं मेन डिफरेंस क्या है जो सिने वाला है सर वो एक तो प्राइस का डिफरेंस है वो महंगा है पहली बात कितना डिफरेंस है बताता हूँ डॉलर्स में भी बताएंगे इंडियन प्राइस आपको बताऊंगा एक्सपेक्टेड बाद में तो मेन जो डिफरेंस इन दोनों में है कि एक तो है जी वो आपको देगा जो आजकल एप्पल नया लॉन्च हुआ है फोन एप्पल थर्टीन में भी ये फीचर है आ, जो कहते हैं प्रो रेजोल्यूशन फोर ट्वेंटी टू एच क्यू ये जो फॉर्मेट है ये हॉलीवुड की मूवीज़ में और काफ़ी हाईली रेजोल्यूशन बहुत ज़बरदस्त करें टेन बिट डी लॉक के साथ आपको ये फॉर्मेट मिलता है कहने की बात साफ शब्दों में बहुत ही अल्ट्रा क्लियर पिक्चर अल्ट्रा क्लियर कलर्स सब कुछ इसमें मिलेगा 5.1 के मतलब 4K के से ऊपर रेजोल्यूशन वाली वीडियो रिकॉर्डिंग ये करेगा कौन करेगा सिने वाला करेगा इसलिए उसके थोड़े दाम ज्यादा है बाकी वेडिंग फोटोग्राफर्स के लिए वेडिंग वेडिंग्राफर्स के लिए मैं कहूँगा कि आपको इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है लेकिन जो हमारे पास दूसरा कैमरा आ रहा है मेविक थ्री उसमें भी फोर के आपको फोर के इज़ मोर देन इनफ ये जो चीज़ें हैं ना बारीकियाँ फाइव पॉइंट वन के एंड ऑलरेडी हॉलीवुड मूवीज़ वगैरह जो है ना सिनेमेटिक मतलब काफ़ी हाई एंड बजट इसका है तो उसके लिए है और एक दूसरा इसमें डिफ्रेंस ये है एक ये हो गया एप्पल प्रो रेजोल्यूशन मिलेगा दूसरा इसमें एस आपको मिलेगी वन की स्पेस ऑन द बोर्ड सिने वाले में तो उसमें झंझट ही ख़त्म है कार्ड्स का वन टी का आपको स्पेस मिल रहा है वो मतलब जो ये हाईली प्रोफेशनल लोगों के लिए बाकी अगर आप एक वेडिंग वीडियोग्राफर हैं और आपका अच्छा बजट है देन गो फॉर दिस इसमें आपको एडवांटेज ये होने वाली है एक तो अल्ट्रा रेजोल्यूशन आपको मिलेगा नंबर एक दूसरा आपको है वो कार्ड्स का चक्कर ही ख़त्म मेमोरी कार्ड्स का सीधा आपको एस स्टोरेज मिल रही है ऑन बोर्ड वो भी वन टी की बहुत ज़्यादा होती है ठीक है तो बाकी टेन बी डी लॉक फॉर्मेट है उसको आप बड़े अच्छे से एडिट कर सकते हैं और फास्ट इसका आप जो ट्रांसफरिंग बहुत अल्ट्रा फास्ट है सिने वाले में मतलब जो आपने इसको एडिटिंग करनी है उसके बाद बहुत ही सेकेंड्स में आपका जो वीडियो है जो आपके ड्रोन में है जो ये वायर देंगे उसके साथ ट्रांसफर कर हो जाएगी बहुत जल्दी तो ये फास्ट एडिटिंग भी करेगा फास्ट कैप्चरिंग करेगा मतलब सीने वाले की बात करूँ तो मेन डिफरेंस मैं भी थ्री और उसमें क्या है नंबर एक आपको मिलेगा हाई अल्ट्रा रेजोल्यूशन एप्पल प्रो रेजोल्यूशन मिलेगा वो मेवी थ्री में नहीं मिलेगा ठीक है नंबर दो दूसरा डिफरेंस है स्पेस का यहाँ पर आपको वन टी की एस स्पेस मिलेगी और तीसरा डिफरेंस है काफ़ी फास्ट ट्रांसफर के लिए आपको स्पेशल वायर मिलेगी जो काफ़ी जल्दी डाटा ट्रांसफर करेगी मतलब ड्रोन से आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में जहाँ आपने एडिटिंग करनी है वहाँ पर पहुँच जाएगा तो ये तीन मेन फीचर हैं बाकी ऑफकोर्स आपका प्राइस का डिफरेंस तो रहेगा ही तो फ्रेंड्स ये था मेरे मेन फीचर आपका आ, नए ड्रोन में और काफ़ी जैसे एप्पल अपना बहुत ज़बरदस्त चीज़ प्रेजेंट करता है वैसे ही डी जे हो गया ड्रोन्स के मामले में काफ़ी अच्छे से आपको चीज़ें पेश की जाती हैं तो होप्स आपको पसंद आया होगा वीडियो अगर आपका कोई आपका क्या डिस्कशन है आपका क्या विचार है नए ड्रोन्स को लेके सीने और उसमें एंड आप भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें हमारे साथ और, और बाकी और फेलो ऑडियंस के साथ हो आपको पसंद आया होगा वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें मैं भी थ्री एजमिन लॉन्च और इंडिया में जब आता है तब तो मैं आपको इसका प्राइस एग्जैक्टली बता पाऊँगा अभी थोड़ा जो वो लोचा है अभी चल रहा है थोड़ा और क्लैरिटी आएगी पर पहले से काफ़ी हालात ठीक हो गए हैं तो लेट्स सी बने रहे वीडियो के साथ बने रहे चैनल के साथ थैंक यू वेरी मच